और चलिए एक बड़ी खबर आगरा से मिल रही है, जहां पर खनन माफिया और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में तीन खनन माफियाओं के पैर में गोली लगी है। सत्यप्रकाश, नेत्रपाल और विनोद को गोली लगी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नेत्रपाल पर 25-25 हजार का, नेत्रपाल और सत्यप्रकाश पर इनाम घोषित था, 25-25 हजार का इनाम। बीते दिन खनन माफिया ने सिपाही को गोली मारी थी। सात खनन माफियाओं को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस ने इनके पास से तीन तमंचे और कई कारतूस बरामद किए। थाना खैरागढ़ क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। पुलिस के द्वारा चेकिंग के क्रम में अभियुक्त गणों द्वारा पुलिस पर जान लेने की नियत से फायर किया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जो अभियुक्त गणों के पैर में लगी है। घायल अभियुक्त गण की पहचान सत्यप्रकाश उर्फ सत्तू, नेत्रपाल उर्फ नित्तू और विनोद के रूप में की गई है। उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। कामिर कुरैशी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। कामिर, एनकाउंटर को लेकर अभी क्या लेटेस्ट अपडेट? बिल्कुल, देखिए इस एनकाउंटर में तीन जो खनन माफिया हैं उनके गोली लगी है। उन तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इनके पास से तीन अवैध तमंचे भी बरामद हुए हैं। बता दें कि बीते दिनों खैरागढ़ क्षेत्र में इन्हीं खनन माफियाओं ने पुलिस पर हमला किया था, जिस दौरान एक सिपाही के गोली भी लगी थी। मामले में पुलिस ने 18 खनन माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें से सात को पुलिस पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। तो अब ये तीन जो मुख्य आरोपी सत्यप्रकाश और नेत्रपाल और विनोद, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें सत्यप्रकाश और नेत्रपाल पर 25-25 हजार का इनाम भी पुलिस ने रखा था। इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, जवाब देते हुए पुलिस ने भी इन पर फायरिंग की थी। इस दौरान तीनों के पैर में गोली लगी। अब इन तीनों को इलाज के लिए ऐसे अस्पताल में भर्ती किया गया है और जो संबंधित कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका कामिर। नोएडा से अगली बड़ी खबर, बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ है। चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरोह बंद पड़ी कंपनी और मकानों को रात में चोरी किया करता था। पुलिस चेकिंग के दौरान कार रोकने का इशारा किया गया, लेकिन बदमाशों के वहां से भागने पर पुलिस ने उनका पीछा किया। सर्विस रोड पर खुद को फंसा हुआ देख कर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से बदमाश पीता उर्फ पीताम्बर घायल हो गया। उसके बाकी के साथी सद्दाम और मोइन अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा में थाना फेज टू इलाके की यह घटना बताई गई। चेकिंग के दौरान कुलेसरा की तरफ से एक इको कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस की टीम के द्वारा उसको रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुकी। जब पुलिस टीम द्वारा उसका पीछा किया गया तो उसमें से एक बदमाश ने उतर कर पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे उसके पैर में गोली लगी। पूछताछ के दौरान उसने नाम अपना पीताम्बर उर्फ पीता बताया, जो मूलतः रामपुर का रहने वाला है और वर्तमान में शाहदरा में निवास कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, उन्नाव की बात करते हैं। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद डकैती के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने निशानदेही के लिए ले जाते वक्त पुलिस की टीम पर हमला कर भागने की कोशिश की। इसके बाद एनकाउंटर में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए दोनों आरोपी बांगरमऊ के ही रहने वाले बताए गए।